देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मेरी जान बचा लेना, अगर पांव फिसला तो सीधा कब्र में जाऊंगी। ये जाना तो मुझे मेरे हैदर की बाहों में है। हैदर, तुम्हारी दुल्हन बनने से पहले मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। मुझे मुझे बचा लेना। गजल गजल, क्या कर रही हो? गिर जाओगी, पीछे हटो। या अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ करना, मैं आ रही हूँ। खुदकुशी करना हराम है। छोड़ो मुझे। हाथ मत छोड़ना कसम। हाथ मत छोड़ना। पागल की बच्ची कसल, जोश में होश खोने की क्या जरूरत थी? खुद भी मरेगी और हैदर भी जाएगा। रोमियो जूलियट की तरह मरना नहीं है, हैदर की मलिका बनके जिंदा रहना है तुझे, बेवकूफ। अगर लगता है तूने बहुत गलत कदम उठा लिया है कसल, अब तू नहीं बचेगी। चलो कोई नहीं, अगर मरना ही है तो मैं अकेले नहीं मरूंगी। मेरा हैदर मेरे साथ इस दुनिया से जाएगा। हम एक साथ जी नहीं सकते, एक साथ मरेंगे जरूर। जिंदगी ने साथ रहने का वक्त नहीं दिया, मगर मौत हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक कर देगी। तुम मेरे हो, हमेशा मेरे रहोगे। हैदर अख्तर, तुम मेरा इश्क नहीं, मेरा जुनून हो। हैदर छोड़ो मुझे। नहीं कसल, हाथ मत छोड़ना। मैं नहीं बचूंगी तो हैदर भी नहीं बचेगा। अब दर्द का सिलसिला खत्म होने वाला है, हम मरने वाले हैं। कोई नहीं मरने वाला, ना तुम ना मैं। नहीं हैदर, तुम हमेशा मुझे नहीं बचा सकते हैदर। मुझे मरने दो हैदर, मेरे सीने में एक राज दफन है हैदर, जिसे मैं अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहती। कसल, बेफजूल की बातें करने का वक्त नहीं है। तुम कहीं नहीं जाओगी कसल, भरोसा रखो, खुदा के लिए हाथ में छोड़ना। हम अब किसी और जहान में मिलेंगे हैदर, मुझे माफ कर देना हैदर, मुझे माफ कर देना। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल हो गई हो? मुझे मुझे नहीं जीना। इधर मुझे मार सारे तो। पागल मत बन। मुझे मार सारे तो, मुझे नहीं जीना है। मैं कुछ छोड़ दूँ जीना। छोड़ दूँ। शाह। खुदकुशी किसी मसले का हल नहीं होता कसल। मेरे साथ और कोई हल नहीं है इधर। सांसें हमेशा के लिए रुक जाएंगी,
तो मेरा दर्द का सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। जब आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी तो मुझे मेरी रुसवाई का मंजर नहीं देखना पड़ेगा। मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची है हैदर, सब खत्म हो गया। मुझे मर जाने दो हैदर, मुझे नहीं जीना हैदर, मर जाने दो हैदर। पागल मत करो हैदर। नहीं हैदर, छोड़ दो मुझे, मुझे मर जाने दो, मुझे छोड़ दो। सबने मुझसे जीने की वजह छीन ली है हैदर, मुझे नहीं जीना है, छोड़ दो मुझे। रुक जाओ, होश में आओ। कोई तुम्हारे जीने का हक नहीं छीन रहा है तुमसे गजल। नहीं हैदर, तुम नहीं जानते हो, तुमसे बहुत सी चीजें छुपाई गई हैं। जिन्हें जमाना मसीहा समझता है वो असल में मेरे गुनहगार हैं। कौन गुनहगार है? तुम्हारा पूरा खानदान, तुम्हारा पूरा खानदान, तुम्हारा पूरा खानदान। जो बाज़ाहिर बहुत नेक बनते हैं वो असल में नेक नहीं है। उन्होंने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है दर, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? ये सच है, तुम्हारे खानदान ने मुझे बर्बाद किया है। वीडियो झूठा है। असल में हैदर गजल का दुपट्टा हटा नहीं रहे थे, बल्कि इज्जत से दुपट्टा पहना रहे थे। इस वीडियो को बहुत चालाकी से उल्टा कर दिया गया है। बहुत खूब दुआ, बहुत खूब। पहली बार लग रहा है जैसे कि गजल की शैतानी साजिशों का सूरज डूबने वाला है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये वीडियो किसने बनाया। जिसने ये वीडियो बनाया है वो हो तुम। तुम ही हो वो जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। वीडियो की सच्चाई देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये झूठा है। पूरे खानदान को, पूरी बिरादरी और रिश्तेदारों के सामने रुसवा किया है। अरे तुम ही भली बनने की कोशिश कर रही हो। इतनी बेरुखी अपनी दुआ से आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? कि तुम्हारा ही किया धरा है दुआ, तुमने बोया है वही काट रही हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा रुहान, मेरा बच्चा घर छोड़कर चला गया। कसल जान देने के लिए चली गई, पूरा खानदान बेइज्जत हुआ। और तुम क्या उम्मीद करती हो? हम तुमसे प्यार भरे लहजे में बात करें? हमारी बेरुखी के खिलाफ शिकवा करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। आप गलत कर रही हैं अम्मी। जो कुछ भी हुआ उसकी कसूरवार भाभी नहीं है। चुप हो जाओ तुम बेहिस लड़की।
इसी वजह से हैदर जैसे बेटे को सबके सामने बदनाम होना पड़ा। घर छोड़ के चला गया, तुम्हारे दोनों भाइयों के दिलों के बीच में दरार पड़ गई और तुम किसकी वकालत कर रही हो? क्या करना चाहती हो तुम? तो मेरी बेटी को भी मुझसे छीनना चाहती हो तुम? इस दुनिया में मुझे अकेला करना चाहती हो तुम? आखिर क्या मंसूबा है तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? किस बात की सजा दे रही हो मुझे? मेरी अकल पे पर्दा पड़ा जो मैंने तुम्हें मेरे हेतु के लिए चुना। संभालो अपने आप को बेटा, पानी लेकर आओ। नहीं नहीं राज, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मौत आ जाए मुझे, ताकि इस कमबख्त की जली कटी बातें तो ना सुननी पड़े मुझे। क्या गुनाह किया है मैंने? किस बात का बदला ले रही हो? जरा भी गैरत बाकी हो तुम्हें तो कहीं जाके डूब मरो या मुझे मरने दो। या अल्लाह, क्या क्या देखना बाकी है अम्मी। दुआ, खुदा के लिए हीना को अकेला छोड़ दो, उसकी आंखों के सामने से चली जाओ तुम। अबू जी, कम से कम आप तो मुझे समझी। क्या समझूं बेटा, तुझे जितनी सफाई देनी थी तूने दे दी, अब सब खत्म हो चुका है, अब तुम जाओ यहां से। बेटा मैंने कहा जाओ। मगर मुझ बदनसीब की किस्मत में ये सब नहीं है। खुद खुशी की ख्वाहिश ऐसे ही पैदा नहीं होती हैदर। तुम्हारे खानदान ने मजबूर किया है मुझे। तुम्हारा खानदान है मेरी बर्बादी की वजह। तुम्हारा खानदान है मुझे खुदकुशी करने के लिए मजबूर करने की वजह। लगता है तुम अपने होश पूरी तरह खो बैठी हो। तुम किस पे तोहमतें लगा रही हो? मेरे खानदान पे? हमारे घर में तुम्हें पनाह मिली मेरी अम्मी की वजह से। मेरी अम्मी जो तुम्हें अपनी सगी बेटी से बढ़कर मानती है, उन पे तुम तोहमतें लगा रही हो जो बेहिसाब तुम्हें मोहब्बत करती है। इसे मोहब्बत नहीं खैरात कहते हैं। तुम्हारी अम्मी ने मुझे बेटी का दर्जा भीख में दिया है। नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत, नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। मौत ही मेरा मुकद्दर है तो मुझे मरने से नहीं रोक सकते। मैंने कहा रुक जाओ गदर। हैदर मुझे मर जाने दो, मत रोको मुझे। हैदर छोड़ दो मुझे, छोड़ो। और बंद करो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जिंदगी खुदा का दिया हुआ एक हसीन तोहफा है और इसी को गवाह कर तुम खुदा की शान में गुस्ताखी करना चाहती हो। मैं दोबारा नहीं कहूंगा, ऐसी हरकत मत करना। नहीं है तो हमारे बीच में हल्की फुल्की दोस्ती के सिवा और कोई रिश्ता नहीं है। तुम मुझे नहीं रोक सकते। रोक भी सकता हूँ और जरूरत पड़ने पे घुमा के एक और थप्पड़ भी लगा सकता हूँ मैं, समझी तुम? जिस दिन मैं तुम्हें अपने घर पर लेके आया था ना, उस दिन से तुम्हारा रिश्ता हमारे खानदान से जुड़ गया था। उस दिन से तुम मेरी जिम्मेदारी, मेरा फर्ज हो और मैं मरते दम तक अपने फर्ज को निभाऊंगा। खुदकुशी करना गुनाह है और ये गुनाह मैं तुम्हें करने नहीं दे सकता। मेरे महबूब, मेरे दिल पर तुम गुस्सा भी करते हो तो लगता है मुंह से फूल झड़ रहे हैं। बोलते जाओ, तुम वो ही बोल रहे हो जो मैंने सोचा था। क्या हो गया तुम्हें कसम? कसम मैं मानता हूँ कि तकदीर ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तो अभी बाकी है, इतनी जल्दी हार जाओगी तुम।
तुम्हारा मुस्तकबिल सवर जाएगा। मैं हूं ना, मैं रूहान को वापस लाऊंगा। कोई परेशानी तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहेगी, सब ठीक हो जाए, सब ठीक कर दूंगा मैं। लेकिन ये बर्बादी का इल्जाम जो तुम मेरे खानदान पे लगा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। बहुत हो गया, अब चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। रोहन को तुम वापस ले आओगे? क्या तुम मेरा बचपन वापस ला सकते हो? क्या तुम उन उम्मीदों को, उन ख्वाबों को वापस लेकर आ सकते हो? क्या तुम वो 22 साल वापस ला सकते हो जो मैंने अपनी अम्मी के बगैर काटे? क्या तुम मेरे अब्बू को वापस लेकर आ सकते हो? कासिम, क्या बोलना चाह रही हो तुम? यही कि मेरे अम्मी और अब्बू की मौत और वो सारी मुसीबतें जो बचपन से लेकर आज तक मैंने झेली है, उस सब की जिम्मेदार तुम्हारे घर की वो दो औरतें हैं जिन्हें तुम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो। एक तुम्हारी माँ और दूसरी तुम्हारी बीवी। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं है इधर, ये वो सच है जो आज तक मेरे दिल में खटकता रहा है, जिससे मेरी जिंदगी बदल के रख दी, बर्बाद कर दी। एक पल के लिए मैं मान भी लूं, जो दुआ ने किया वो गलत था। वान की अम्मी के बहकावे में आके जो तुम्हारे साथ किया वो सही नहीं था, लेकिन मेरी अम्मी, उनके खिलाफ एक लफ्ज मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा खजान, क्योंकि मेरी अम्मी खुदा की दी हुई नेमत है, नेकी, सच्चाई और मोहब्बत का फरिश्ता है। और किस इंसान पे इल्जाम लगा रही हो तुम? उस इंसान पे जिन्होंने हमेशा तुम्हारी तरफदारी की, उस इंसान पर जिसका सबसे बड़ा ख्वाब तुम्हें अपनी घर की बहू बनाना था, जिसे तुम्हें अपनी बेटी जैसा समझा, बेटी से ज्यादा मोहब्बत दी, उस पर शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिसे तुम फरिश्ता समझते हो वो मेरे लिए मेरी अम्मी की कातिल है। लगता है तुम होश में नहीं हो। मैं पूरे होश में हूं इधर। ये वो सच है जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। मैं अब भी यकीन नहीं हो रहा ना, तो सुनो, मैं कबूल करती हूं, मैं जिम्मेदार हूं तुम्हारी अम्मी की मौत के लिए। शरारत में जिस चेहरे को चूम लिया करती थी उसे कुचल दिया गया। जो आंखें मुझे देखकर मुस्कुराया करती थी उन्हें हमेशा के लिए मून दिया गया। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी कि उन्हें ख्याल तक नहीं आया कि जिसे वो पीट रहे हैं उसकी मासूम सी बच्ची है। एहसास तक नहीं आया कि जिसे वो पैरों तले कुचल रहे हैं वो मेरी जन्नत है। भीड़ ने मेरी अम्मी को मार दिया। अब्बू मेरी अम्मी को अस्पताल लेकर गए, लेकिन मेरी अम्मी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मैं आज भी अपनी अम्मी को ढूंढती हूँ हैदर। Heh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 
अम्मी कभी नहीं आएगी, क्योंकि अम्मी मर चुकी है। और जानते हो ये सब किसकी वजह से हो? जिसे तुम नेमत समझते हो, सच्चाई मोहब्बत और नेकी का फरिश्ता समझते हो, हीना अख्तर।